हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये सुपर ब्लैक स्मोकी आई शेडो लगाना बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे ऐसे टिप्स जिसकी हेल्प से आप इजीली खुद से ये आई शेडो घर पे ही लगा सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आईब्रो पेंसिल की हेल्प से आईब्रोज को सेट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में लाइनर अप्लाई कीजिए। ये लाइनर मैं पहले क्यों लगा रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। ये लाइनर बॉर्डर लाइन की तरह काम करेगा। जब आप आई शेडो अप्लाई करेंगे तो आपको पता रहेगा इस बॉर्डर लाइन से आपका आई शेडो बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप सेकेंड स्टेप में लाइनर अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आई पैलेट लीजिए, उसमें अपना ब्लैक कलर चूज़ कीजिए और अपने आईलेट पर अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास ब्लैक आई शेडो नहीं है इस कंडीशन में आप ब्लैक काजल लीजिए, उसे अपने ब्रश पर अप्लाई कीजिए और इसी तरह रफली अपने आईलेट पर लगाइए। जो भी स्टेप मैं यहाँ आपको बता रही हूँ अगर उस स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा आई शेडो लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ब्रश को चेंज कीजिए, डार्क ब्राउन शेड लीजिए और अपने आईलेट पे ब्लेंड कीजिए। सेमी सर्कल बनाते हुए आउटर कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है और इस तरह से ब्लेंड करना है। जो ब्लैक कलर आपने रफली अप्लाई किया था इस ब्लेंडिंग की हेल्प से उसे फिनिशिंग मिल जाएगी, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर ब्लेंडिंग में एक मिनट लगता है आपको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। ब्लेंडिंग के लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ और यहाँ जो कलर ले रही हूँ वो ब्लैक ही है बट उस पर ग्लिटर मिक्स है, इसको भी मैं सेफली अप्लाई कर रही हूँ सिर्फ अपनी आईलेट पर। ना मैं इनर कॉर्नर में जाऊँगी ना मैं आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी, इसे सिर्फ आईलेट पर अप्लाई करूंगी। इसी तरह मैं सेकंड आई पे भी अप्लाई करूंगी ब्लैक ग्लिटर कलर। इस आई शेडो का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये न्यूड आई पैलेट है, अगर आपको न्यूड मेकअप पसंद है तो ये आई पैलेट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ब्रश चेंज करूँगी अब मैं, ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फिर से वही डार्क ब्राउन शेड लिया है और फिर से मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है, सेमी सर्कल लेते हुए ब्लेंड करना है। आपके आई का ब्लेंडिंग एरिया आपको कैसे पता चलेगा? आप अपनी आई क्लोज कीजिए, जो सेमी सर्कल बनता है वही आपका ब्लेंडिंग एरिया होता है। नेक्स्ट मैंने जो शेड लिया है वो लाइट ब्राउन शेड है, उसको भी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हल्का सा टच देते हुए इस तरह से क्रीज के ऊपर आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आईलैशेस लगा रही हूँ, आईलैशेस लगाना भी मैंने आपको बताया है। अब एक पतले ब्रश की हेल्प से हम आई के नीचे वाले एरिया में भी आई शेडो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ, वही कलर यूज़ कर रही हूँ जो ऊपर वाले आईलेट पे अप्लाई करे थे। इनर आई कॉर्नर आपको छोड़ते हुए अप्लाई करना है। डार्क ब्राउन के बाद ब्लैक कलर आपको अप्लाई करना है इसी एरिया में अच्छे से। फाइनल आपको काजल अप्लाई करना है। काजल अप्लाई करने के बाद आपकी आई सुपर ब्लैक अपने आप दिखने लगेगी। काजल अच्छे से अप्लाई कीजिए कंप्लीट। अगर आई शेडो आपके फेस पे गिर गया है तो ब्रश की हेल्प से आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अब आई का इनर कॉर्नर आपको हाईलाइट करना है, यहाँ मैं वाइट कलर का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। आईब्रोज़ का कॉर्नर एरिया भी आपको हाईलाइट करना है अच्छे से। नेक्स्ट आपको न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करनी है।
ये मेरी मैट लिपस्टिक है, थोड़ी देर बाद मैट हो जाएगी, न्यूट दिखने लगेगी। अब मैं बिंदी लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी। अब ये मेरा कंप्लीट लुक है। आई होप आपको जो मैंने स्टेप बताया आपको समझ में आए होंगे। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।